फ्रेंड्स, आपको तो पता है BTS और K-drama के साथ साथ कोरियन फूड भी कितना फेमस है, इसलिए आज हम लेकर आए अलग अलग तरह के कोरियन फूड जिनका आज हम करेंगे रिव्यू। और उसी में से एक है जंगकुक की फेवरेट शिन रामेन, तो हम उसका भी रिव्यू देंगे। और आप कमेंट करके बताना आपका BTS मेंबर में से कौन बायस है। और जल्दी से करते हैं हम वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये रहे सारे कोरियन फूड और इनमें कुछ स्नैक्स भी हैं। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं ये टर्टल चिप्स, और इसमें ना दो फ्लेवर है, एक ही मसाला कॉर्न और एक ही स्पाइसी डेविल। मुझे सोनी, तो इसको कितना रेट देगी? मैं तो इसको 8/10 दूंगी। पागल है यार, मेरा रिव्यू मैं दूंगी, मेरे को टेस्टी लग रहा है। मुझे भी तो 8/10 देना है क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये। तो तू अपना दे, मुझे क्यों मार रही है? गलती से ये बता, इसको मैं दूंगी 7/10 क्योंकि मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा, ये थोड़ा सा कम अच्छा लगा। और तू 5, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। कोई इसके अपनी अपनी पसंद है, इसको स्पाइसी फ्लेवर मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, बट ये ज्यादा टेस्टी था। आई लव इट। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे तबुकी। इस पे यपोकी लिखा है, ये तबुकी ही है। जजांग की तबुकी है और कोरिया के नंबर वन राइस केक है। और आपने तो K-drama में देखा ही होगा खाते हुए। मैंने भी देखा, मैंने बहुत सारे K-drama देखे जिसमें ये लोग खाते हैं। इसकी पैकेजिंग तो काफी अच्छी है। हाँ, पैकेजिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो अमेजोन से कर लेना। हाँ, ये राइस की और ये इसके अंदर जो सॉस वगैरह इसमें डलेगी, और ये तो स्पून है ये। फ्रेंड्स, कभी आपने ट्राई करी तो बताना, हमने तो फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको ना 2 मिनट के लिए ओवन में रखना है, और इसमें ना एक लाइन दे रही थी, हमने वहीं तक ही वाटर फिल कराया। सो फ्रेंड्स, हमारी तबुकी हो चुकी है रेडी। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इस पे फ्लेवर तो लिखा नहीं है, पर हम टेस्ट करके बताते हैं इसका फ्लेवर कैसा है। ओह फ्रेंड्स, ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है और ये कितना शाइनिंग कर रहा है। कैसा फ्लेवर है इसका। अरे बहुत वोट हो रहा है यार, तो अच्छे से भूख मारी खाना। इसका फ्लेवर स्वीट है और बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल स्वीट है यार, टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी है। यार ये स्पाइसी को जी बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं, इतनी सी भी स्पाइसी नहीं है। मैं इसको देना चाहूंगी 9/10, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और तू? मैं दूंगी 8.5/10, तुझे स्पाइसी नहीं है। अब हम ट्राई करते हैं कोरिया की ड्रिंक, इसका नेम है परोरा और इसका फ्लेवर है मिल्क फ्लेवर। चलो ट्राई करते हैं। टेस्ट भी नहीं आया। इसका मिल्क फ्लेवर है, लेकिन मिल्क का टेस्ट तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है, पर टेस्टी है यार ये। मैं फ्लेवर नहीं पहचान पाऊंगी कैसा है, बट टेस्टी है यार। फ्लेवर समझ नहीं आ रहा, और थोड़ा ऐसा खट्टा मीठा सा है, मस्त है। मुझे तो यार बहुत अच्छी लगी, मैं तो इसको दूंगी 8/10। और मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मैं इसे दूंगी 9/10। आई लव दिस फ्लेवर, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता ये वाला फ्लेवर है। यूनिक फ्लेवर है यार, मस्त है। मैंने कोई ड्रिंक नहीं पी ये वाले फ्लेवर की, तो आप जरूर इसे ऑर्डर करना। हाँ, इसमें मिल्क का टेस्ट नहीं है, ये मिल्क फ्लेवर है लेकिन मिल्क का टेस्ट नहीं है। अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे श्रिंप फ्लेवर क्रैकर, और ये थोड़ा हॉट एंड स्पाइसी है। जो ये श्रिंप है ना, ये सी फूड है और ये इसी का फ्लेवर है, तो ट्राई करते हैं। कुरकुरे की तरह लग रहा है। हाँ, अब ट्राई करते हैं। अरे यार ये कैसा लग रहा है, ये श्रिंप में बिल्कुल मुझे तो इसी का टेस्ट लग रहा है यार, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे तो अच्छा नहीं लगा यार, मैं इसको दूंगी 4/10। सेम मुझे नहीं पसंद, हटाओ। फ्रेंड्स, अब हम ट्राई करते हैं सामयाम की बुलदक रामेन, तो मुझे लग रहा है इसका फ्लेवर भी तबुकी जैसा है, पता नहीं क्यों। इसमें वही लिखा है ना। अब जल्दी से इसको बॉईल करके आते हैं। A few minutes later. फ्रेंड्स, रामेन हो चुके हैं रेडी, हम इसको टेस्ट करते हैं। मैं तो एक्साइटेड हूँ, इसका टेस्ट कैसा होगा। अरे बहुत उठा ले यार, वो तरह में इसका फ्लेवर है थोड़ा स्वीट एंड थोड़ा स्पाइसी, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है यार, जैसे वो कोरिया में खाते थे ना, मतलब ब्लैक ब्लैक नूडल्स। मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी होती थी खाने की, तो मतलब
बहुत टेस्टी लग रहा है यार। अब तक तो सबसे बेस्ट मुझे ये लगा। अब दूंगी मैं इसको 10 out of 10। वाओ 9 out of 10। अबे हट, इसको नंबर दे दिया था 10 out of 10। गाइस बहुत टेस्टी है ये स्वीट एंड स्पाइसी। अब हम ट्राई करते हैं ओरिओ बिस्किट। फ्रेंड्स इसमें इतने सारे पैकेट्स निकले, आप टेस्ट करते कैसे। ओ इसमें ओ एक में दो है। वाओ मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप इसे चाय और कॉफी के साथ भी खा सकते हो। इसका टेस्ट थोड़ा स्वीट है और थोड़ा सॉल्टी है। मुझे ये बिस्किट अच्छे लगे, मैं दूंगी 7 out of 10। मुझे भी ये काफी अच्छे लगे, मैं दूंगी 8 out of 10। लास्ट अब हम ट्राई करते हैं जंगू की फेवरेट चिन रामेन। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार अभी। इसमें एक ही पैकेट है, इसमें ये बस एक ही है। इसमें ऑलरेडी फ्लेक्स पड़े हुए हैं। अब हम डालते हैं इसमें हॉट वाटर। 12 seconds later. इसको रेडी कर लेना, इसको ट्राई करते हैं। वो गाइस वैसे से इसको इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, मैं तो इसको दूंगी 10 out of 10। मुझे तो बहुत अच्छी लगी यार। 10 out of 10 की मुझे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी ऊपर वाली ना तो और अच्छी लगी है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय सारंगी।